हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बायो मैकेनिक्स ऑफ लंबर स्पाइन तो सबसे पहले लंबो वोटिब्रे के बारे में समझते हैं तो लंबो वोटिब्रे हमारी पांच वोटिब्रे होती है तो जो शुरू की चार वोटिब्रे हैं वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर वो सेम होती हैं दिखने में उनको हम टिपिकल वोटिब्रे कहते हैं जो हमारी फिफ्थ लम्बो वोटिब्रे है वो थोड़ी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू दी अब फोर वोटिब्रे तो उसको हम ए टिपिकल वोटिब्रे कहते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हो लम्बर वर्टिब्रे के बारे में सो देयर आर फाइव लम्बर वर्टिब्रे इसमें जो सबसे लास्ट वाली यानी कि एल फाइव वर्टिब्रे है वो ए टिपिकल वर्टिब्रे है क्यों क्योंकि उसके उसको सेक्रम के साथ भी अपना जॉइंट बनाना है तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स होते हैं जो उसको बाकी अबव फोर लंबर वर्टिब्रे से डिफ्रेंशिएट करती हैं तो अगर हम टिपिकल लम्बो वर्टिब्रे के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो ये सिमिलर होता है टू दी अदर वर्टिब्रे बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है बट थोड़ा रीजनल डिफ्रेंसेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे तो लम्बो वर्टिब्रे को हमने दो में डिवाइड किया है बॉडी और एक न्यूरल आर्च तो जो बॉडी है वो एंटीरियर स्ट्रक्चर है और जो न्यूरल आर्च है वो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है इस डायग्राम में आप देख सकते हो बॉडी एंड द न्यूरल आर्च तो जो बॉडी होती है वो लम्बर वर्टिब्रे में लार्ज होती है एज कम्पेयर टू सर्वाइकल एंड थोरासिक तो जो लम्बर वर्टिब्रे की बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है क्यों क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट आता है बॉडी का इसलिए सो द ट्रांसवर्स डायमीटर इज़ ग्रेटर देन द पोस्टीरियर डायमीटर एंड ऑल्सो ग्रेटर देन द हाइट This regional variation is because the need of to support great compressive load caused by the body weight ground reaction force and muscular contraction. देन इज़ द न्यूरल आर्च तो इसके अंदर हमारे ये सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक वर्टिब्रल बॉडी का एक वर्टिब्रे का वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है अबाउट दी लिगामेंट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बेसिक बायोमकैनिक्स तो उसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर जा चेक कर सकते हो तो जो पेडिकल्स होते हैं दीज आर शॉर्ट एंड थिक दे प्रोजेक्ट पोस्टेरोलेटरली। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं लंबर रीजन की ठीक है कि ये कैसे होते हैं लैमिने आर शॉर्ट एंड ब्रॉड जो जयगोपोफि आर्टिकुलर फेस प्रोसेस है जो इन्फीरियर वाला है इट फेसेस एंटीरियरली एंड लेटरली इट इज इन शेप जो सुपीरियर प्रोसेस है उसके ऊपर हमारे मैमिलरी प्रोसेस होते हैं अब ये जो मैमिलरी प्रोसेस होते हैं दीज आर स्पेसिफिकली फाउंड इन लंबर रीजन सो दीज आर स्मॉल बम्बस लोकेटेड पोस्टीरियरली ऑन ईच सुपीरियर ऑरिकुलर फेसेट ट्रांसफर्स प्रोसेस की बात करें अगर हम लंबर स्पाइन के सो दीज आर लॉन्ग स्लेंडर इट हैज़ एक्सेसरी प्रोसेस दीज आर स्मॉल इनरेगुलर बोनी प्रोमिनेंस सो इट इज सर्व एज अटैचमेंट साइट फॉर मल्टीफिडस एंड मीडियल इंटर ट्रांसफर्स मसल स्पाइनस प्रोसेस की बात करें सो इट इज़ ब्रॉड एंड थिक एंड इट एक्सटेंड हॉरिजॉन्टली वर्टल फॉर आमेन अगर हम लम्बर रीजन की बात करें तो इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप थोरासिक वाले से थोड़ा बड़ा होता है बट सर्वाइकल वाले से छोटा होता है देन फिफ्थ लंबा वोटिब्रे अब जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा अलग दिखती है तो इट इज़ ऑल्सो नोनर ट्रांजिशनल या ए टिपिकल वोटिब्रे अब इसकी अलग खासियत क्या होती है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी कि इसकी एक वेट शेप बॉडी होती है जो एंटीरियर पोर्शन होता है इसका हैज़ अ ग्रेटर हाइट देन दोस्टीरियर पोर्शन सुपीरियर डिस्कल सर्फेस एरिया ऑफ एल फाइव इज़ फाइव परसेंट ग्रेटर देन द एरिया ऑफ डिस्क अब इट इंफीरियर डिस्कल सर्फेस एरिया ऑफ एल फाइव स्मॉलर देन दी अदर लंबर वर्टिब्रे जो इसका स्पाइनस प्रोसेस होता है वो सबसे छोटा होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होते हैं वो लार्ज होते हैं एंड दीज आर डायरेक्टेड सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली देन इज दी लंबो सेक्रल आर्टिकुलेशन लंबो सेक्रल आर्टिकुलेशन मतलब की फिफ्थ लंबर वर्टिब्रे और सेक्रम के बीच में जो सेगमेंट होता है उसे हम कहते हैं लंबो सेक्रल आर्टिकुलेशन देख सकते हो आप इस डायग्राम में अब लम्बो सैक्रल एंगल अब लंबर की फिफ्थ वर्टिब्रे ठीक है एल फाइव और जो बेस ऑफ सेक्रम है उसके बीच में एक जॉइंट बना तो उसको हम कहते हैं लंबो सक्रल आर्टिकुलेशन ठीक है अब उनके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं लंबो सक्रल एंगल ठीक है सो देयर फोर इट फॉर्म्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल अब जो हमारा फर्स्ट सेक्रल सेगमेंट है यानी कि जो सेक्रम की फर्स्ट वर्टिब्रा है सेक्रम के अंदर हमारी पांच वर्टिब्रे होती हैं और वो आपस में फ्यूज होकर एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं तो जो ट्राइंगल का बेस होता है ना उससे हमारा एल्फाइफ अटैच होता है अब जो वो बेस है यानी कि जो फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्रे है वो थोड़ी इंक्लाइंड होती है एंटीरियरली एंड इन्फीरियरली तो वो एक हॉरिजोंटल के साथ एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं लंबो करल एंगल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सेक्रम का हेड है यानी कि जो सेक्रम का बेस है वो थोड़ा आगे की तरफ को नीचे की तरफ को झुका हुआ है ठीक है और हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है इसको कहते हैं लंबो सेक्रल एंगल सो so, ये नॉर्मली कितना होता है थर्टी डिग्री अब ये जो एंगल है ये वेरी करता है विद द पोजिशन ऑफ सो दिस इज द लंबो सेक्रल एंगल सो इंक्रीज इन दी लम्बो सैक्रल एंगल अगर मेरा ये एंगल इंक्रीज हुआ तो क्या होगा सो देर विल भी एन इंक्रीज इन लम्बर लोडोसेस ठीक है एंगल लम्बो सैक्रल एंगल इंक्रीज़ हुआ लम्बर लोडोस इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से जो मेरे लम्बो सक्रल जॉइंट पर शेयरिंग फोर्स है यानी कि जो एंटीरियर ट्रांसलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा देन इज़ दी इंटरवर्टेबल डिस्क तो अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बात करें डिस्क का तो यहाँ पे भी वही सेम है इसके तीन कॉम्पोनेंट्स हैं न्यूबलस पल्पोजस एन्यलस फाइब्रोसस एंड वोटेबल एंड प्लेट्स इसका भी मैं लिंक डाल रखा है बेसिक्स ऑफ बायो मैकेानिक्स का क्या वोटेबल कॉलम आप उसमें जाके देख सकते हो इनका कंटेंट इनका फंक्शन स्ट्रक्चर सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा ऑलरेडी सो द बेसिक स्ट्रक्चर तो है इंटरवर्टेबल डिस्क का लंबर रीजन में वो सेम रहता है तो जो कॉलेजन फाइबर्स हैं इन दी एन्युलस फाइब्रोस दीज आर अरेंजड इन शीट कॉल्ड लेमिन लैमिले तो यह लंबर रीजन की एक पिक्यूलरिटी है इंटरवर्टेबल डिस्क की सो दीज लैमिले आर अरेंजड इन कॉन्सेंट्रेट रिंग सराउंडिंग द न्यूक्लियस कोलेजन फाइबर्स इन एडजेसेंट रिंग्स आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन यानी कि जो एनुलस फाइबर्स के अंदर जो भी कोलेजन है वो ओरिएंटेड होते हैं वन ट्वेंटी डिग्री पे ठीक है सो दिस क्यों होते हैं ताकि हम अपना जो टेंसाइल फोर्स है उसको वो रेजिस्ट कर सकें अच्छे से क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेट बेयरिंग आपको देखने को मिलती है क्योंकि लंबर वर्टिब्रे की जो बॉडी होती है वो सबसे लार्ज होती है तो जो लंबर स्पाइन की इंटरवर्टिबल डिस्क है वो भी सबसे बड़ी होती है तो जो शेप ऑफ द डिस्क है इट इज़ कॉन्केव पोस्टीरियरली सो दिस प्रोवाइड्स अ ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया दस हेल्पिंग टू रेजिस्ट टेंशन इन ऑल डायरेक्शंस देख सकते हो आप यहाँ पे लैमिने का स्ट्रक्चर दिखा रखा है इन्होंने आर्टिकुलेशन दो जॉइंट हैं इंटरबॉडी जॉइंट इनके बारे में मैंने बात करी है इंटरबॉडी जॉइंट जो आपकी वर्टेबल बॉडी और इंटरवर्टेबल डिस्क और वर्टेबल बॉडी के बीच में बन रहा है जॉइंट और जाइकोपोफिसियल जॉइंट जो है जिसको हम फेसेट जॉइंट्स भी कहते हैं जो कि सुपीरियर और इन्फीरियर आर्टिकुलर सर्फिस के बीच में आपको देखने को मिल रहा है सो द एंटीरियर आस्पेक्ट ऑफ ईट जॉइंट रिमेंस इन फ्रंटल प्लेन हम यहाँ पे जयकोपोफिसियल जॉइंट की बात कर रहे हैं एंड द पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ ईट जॉइंट रिमेंस इन दी सजाइटल प्लेन देन लिगामेंट्स तो जो लिगामेंट्स हैं जो वर्टेबल कॉलम में होते हैं वही सेम सारे लिगामेंट्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ रीजन वाइज एक्सेप्शन है जैसे कि जो सुपर स्पाइनस लिगामेंट है वो इट इज़ वेल डेवलप्ड ओनली इन दी अपर लंबर रीजन और एल फाइव एस वन रीजन पे वो आपको नहीं देखने को मिलेगा जो पोस्टीरियर लॉन्गेट्यूडनल लिगामेंट है ये थिन रबर लाइक हो जाता है इसलिए आपको पीछे से डिस्क का हर्निएशन और डिस्क का प्रोट्यूजन देखने को मिलता है और आगे से कभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर जो आपका एंटीरियर लॉन्गेटनल लिगामेंट है वो स्ट्रॉन्ग है अभी लिगामेंट्स का स्ट्रक्चर फंक्शन एनाटमी भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है सो लिगामेंट स्पेसिफ़िक कौन से हैं लंबर रीजन के इज द एलियोलंबर लिगामेंट तो एलियोलंबर लिगामेंट क्या होता है इट कन्जेस्ट ऑफ बैंड्स कहाँ से चलता है ये फ्रॉम द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एल फाइव यानी कि एल फाइव वर् का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वहाँ से निकला एंड इट अटैचेस बाई लेटरली टू द क्रेस्ट ऑफ द पेल्विस फिर दोनों तरफ निकलते निकल के पेल्विस पे आके लग गया क्रेस्ट पे इसके तीन बैंड हैं वेंट्रल डोर्सल एंड सेक्रल ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हो कैसे इसका ओरिएंटेशन है द गवर्नमेंट का जो वेंट्रल या एंटीरियर बैंड है इट रन्स फ्रॉम द वेंट्रल कॉर्डल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ एल फाइव टू वेंट्रल सर्फेस ऑफ द क्रस्ट पोस्टीरियर वाला पोस्टीरियरली प्लेस होगा रन्स फ्रॉम द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एल फाइव टू द मोर क्रेनियल पार्ट ऑफ द इलियक्रस्ट सेक्रल वाला जो पार्ट है बैंड है इट रन्स फ्रॉम वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एल फाइव टू द एला ऑफ द सेक्रम एंड द एंटीरियर सेक्रो एलिया जॉइंट जो एलियो लम्बर लिगामेंट है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट और ये फिफ्थ लम्बर वोट्रेक को स्टेबलाइज करता है ये रेजिस्ट करता है फ्लैक्शन एक्सटेंशन एक्ज रोटेशन एंड लेट्रल बेंडिंग ऑफ एल फाइव ऑन एस वन काइनामेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे सारे मोशन होते हैं फ्लैक्शन एक्सटेंशन बेंडिंग एंड रोटेशन जो लम्बर जाइकोपोफिसल जॉइंट है जिसके बारे में हमने पढ़ा वो फेवर करता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को ज़्यादा एज कंपेयर टू लेटरल रोटेशन एंड बेंडिंग क्यों क्योंकि वो सजाइटल प्लेन में ओरिएंटेड है मोस्ट ऑफ द फ्लेक्शन प्ले टेक्स प्लेस एट दी लंबोसेक्रल जॉइंट सो लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन आर मोस्ट फ्री इन दी अपर लम्बर रीजन एंड डिमिनिश इन दी लोअर लम्बर रीजन यानी कि जो फ्लेक्शन लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन है वो आपको ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा अपर पार्ट ऑफ द लम्बर स्पाइन ठीक है लार्जेस्ट लेटरल फ्लेक्शन आर ओ एम एंड एक्ज रोटेशन आकर बिटवीन एल एंड एल थ्री वेराज फ्लैक्शन की कहाँ हो रही थी बिटवीन एल एंड एस काइनेटिक्स की बात करें तो इसमें हमारे कंप्रेसिव फोर्स आती हैं और शेयर फोर्स आती हैं कंप्रेसिव फोर्स की बात करें यानी कि जो 90 डिग्री एंगल पे पड़ रही हैं दीज आर नोन एज दी कंप्रेसिव फोर्स तो लंबर रीजन को कंप्रेसिव लोड सहने पड़ते हैं क्यों सबसे ज़्यादा क्योंकि एक तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब कंप्रेशन आ रहा है दूसरा क्योंकि हमारी अपर बॉडी का वेट सपोर्ट कर रहा है तो सारा वेट सीधा का सीधा लंबर पे जाता है इसलिए तीसरा लंबर इंटरबॉडी जॉइंट शेयर एटी परसेंट ऑफ द लोड यानी कि जो आगे वर्टेबल बॉडी के जॉइंट हैं वो एटी परसेंट ऑफ द लोड सहन करते हैं वे राय जो जाइगोपोफिशियल जॉइंट है वो ट्वेंटी परसेंट लोड शेयर करते हैं शेयर फोर्स की अगर हम बात करें तो ये देखो कि जो आपका अपराइट स्टैंड आप खड़ सीधे खड़े हुए हो ठीक है जो लंबर सेगमेंट्स हैं दीज आर सब्जेक्टेड टू एंटीरियर ट्रांसलेशन यानी कि जो आपका लंबर वर्टिब्रा है अब मैंने आपको बोला था कि जो बेस ऑफ द सेक्रम है यानी कि जो फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्रा है वो थोड़ा एंटीरियरली इंक्लाइंड है थोड़ा झुकी हुई है इट इज़ नॉट स्ट्रेट सो इट इज़ फॉर्मिंग एन एंगल विच इज़ नोन एज द लंबो सैक्रल एंगल तो उस चक्कर में क्या होता है ना कि एक एंटीरियर ट्रांसलेशन फोर्स लगती है आपको ठीक है नंबर फाइव वोटिब्रे पे तो उसे हम कहते हैं शेयर फोर्स तो जो ये एंटीरियर ट्रांसलेशन होता है ये कौन रोकता है इनफीरियर जाइकोपोफिसल फेसेट ऑफ द क्रेनियल वोटिब्रे अगेंस्ट द तो सुपीरियर जाइकोपोफिसल फेसेट ऑफ द कॉडल कॉडल माने नीचे वाली वोटिब्रे क्रेनियल माने अपर वोटिब्रे तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक शेयर फोर्स लग रहा है कंप्रेशन फोर्स लग रहा है और फिर एक रिजल्टेंट का एरो आपका बीच में जा रहा है सो आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा अबाउट दी बायो मैकेनिक्स विट ए स्पेसिफिक टू द लंबर वर्टेब्रे ठीक है बाकी का जो बेसिक है वर्ट्रिल कॉलम की बायो मैकेनिक्स उसके लिए मैंने इन डिटेल एक वीडियो बना रखा है एंड इट इज हैज़ बीन अपलोडेड तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो आप पहले उसे देखना फिर आप अच्छे से इसे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जा जाएंगी थैंक यू